हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं कक्षा दसवीं के मैथ का कुछ ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल TSR क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि आने वाले दिनों में कक्षा दसवीं के मैथ का एग्जाम होगा और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, कोई मीडियम का होता है और कोई तेज होता है। लेकिन सबको जानना जरूरी है कि अगर हम एग्जाम देंगे तो कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जिस पर हम अधिक ध्यान दें। तो वीडियो आपके लिए ही है, आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे कम समय में आप अच्छे मार्क पाएंगे उसके बारे में। ठीक स्टूडेंट, मैं पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं 8 चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला चैप्टर से मैं बताता हूँ। देखिए, पहले मैं पहला से, उसके बाद दूसरा से, तीसरा से, चौथा से, पांचवा से, मतलब 7 चैप्टर तक आज के इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद 8वां चैप्टर से 15वें चैप्टर तक Part 2 वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो का Part 1 है, आप Part 1 देख रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, Part 2 का आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। प्यारे बच्चों, मैं पहला चैप्टर तो आप देख रहे हैं, रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या, उसका मैं बताऊंगा। उसके बाद दूसरा बताऊंगा बहुपद, उसके बाद ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उस सब के बारे में बताऊंगा। तो प्यारे स्टूडेंट, चलिए पहला क्वेश्चन और पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से VVI क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे पहला का 1.1 से लेते हैं पहले। ठीक, 1.1 का आप देखिए पहले कौन कौन सा क्वेश्चन VVI है 1.1 का। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को VVI क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो देखिए 1.1 का जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो देखिए प्रश्नावली ये देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें से जो तीनों क्वेश्चन है 135 और 225, उसके बाद है 196 और 38220, उसके बाद देखिए व्यूअर ये 867 और 255, ये सब VVI क्वेश्चन है। आप इसे अच्छी तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर इसे आप अच्छी तरह ज्ञात कर सकते हैं। व्यूअर, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इस प्रकार से ज्ञात करिए। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए व्यूअर, एक बार दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। दूसरा की दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं व्यूअर। देखिए पहला जो दूसरा का जो सॉल्यूशन है इस प्रकार से है, आप देख रहे हैं ये दूसरा का है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है जो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकेंगे। तो व्यूअर, इसको ज्ञात करने के लिए आप
यहाँ पे 32 और 616 का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिएगा। तो एचसीएफ ज्ञात करने के बाद आपको तुरंत इसका आंसर आ जाएगा 8। तो 8 आ जाएगा आंसर एचसीएफ। तो ये इसका जो स्तंभ है वो अधिकतम संख्या कितना होगा स्तंभों की 8। तो 1.1 का ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला, आगे बढ़ते हैं व्यूअर। चलिए अब 1.1 हो गया, अब 1.2 के ओर बढ़ते हैं। तो व्यूअर 1.2 के ओर देखिए, 1.2 में ये टोटल क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो ये जो है अभाज्य गुणनखंड विधि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये सब VBA है। उसके बाद दूसरा में जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है, इसे भी देख लीजिएगा। दूसरा का देखिए 2691, 510 और 92 और 336 और 54, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए व्यूअर, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें, ये सब पूरा VBA क्वेश्चन है। आप इसे सही से देखिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद इस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि HCF और LCM में ऐसा क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो है 4 नंबर क्वेश्चन, HCF 306 और 557 = 9 दिया है। HCF दिया हुआ है 9, इतने संख्या का कितना, 306 और 657 का LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और ये मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए। ये पिछले बार और कई एग्जाम में ये पूछ दिया गया है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट ही समझिए, ये कभी भी पूछ सकता है। व्यूअर अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर भी है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n और अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका उत्तर जो है 6n 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। इसका इस प्रकार से आंसर आप दे सकते हैं, लेक्चर है, एक बार पढ़िएगा तो आपको ध्यान में रहेगा। उसके बाद व्यूअर इसमें इस चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था ये मैं बता दिया। एक बार 7 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए 1.3 का, ठीक 1.3 में सिद्ध कीजिए है वो देखना है। ठीक, तो 1.3 में देखिए एक्सरसाइज 1.3 में व्यूअर, एक्सरसाइज 1.3 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो व्यूअर ये मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप तो याद ही रखिए, क्योंकि हर एक साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। या तो दे देगा √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है। तो आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगर आपको सिद्ध करना नहीं आता है तो इसमें भी पढ़ करके आप समझ सकते हैं, और नहीं तो इसका मैं अलग से सिद्ध करके वीडियो बनाया हूँ जो मैं खुद से सिद्ध किया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे भी देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये सब जो है ना, एक आप समझ जाइएगा कि ऐसे सिद्ध करना है तो आपको सब क्वेश्चन आ जाएगा। तो √5 आप पढ़ लीजिए, बाकी सब हो जाएगा, आप सभी को देख लीजिएगा। अब चलिए एक के ओर बढ़ते हैं। तो 1.4 में देखिए व्यूअर, और इससे एक या दो क्वेश्चन रहता है, इससे एक या दो क्वेश्चन रहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो आपको पता होगा कि इसी से लिया गया है 2n गुने 5m, ये दशमलव प्रसार जिसका जो ये डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, वो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। इसका जो दशम डिनोमिनेटर 2n और 5m के रूप का होगा, तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा।
ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता होगा कि कैसे ज्ञात करना है, और नहीं पता है तो इसमें दिया गया है कि केवल, देखिए यहाँ पे केवल आपको ऊपर वाला अंक को नहीं देखना है, केवल हर में जितना संख्या है उसका एलसीएम ज्ञात कर लेना है। अगर एलसीएम में 2 आएगा और 2 के पावर एन भी आ जाए, एन मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आए, उसके बाद 5 के पावर एम, एमओ का मतलब वही होता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब जो है वो एम होता है, तो हर में इस प्रकार से रहेगा तो आपका जो दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसी में 2 के पावर एन और 5 के पावर एम में कोई संख्या, मान लीजिए 3 घुस आ गया और उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद देख लीजिए 7 आ गया, तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगी। चलिए व्यूअर, इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए दूसरा में जो है कि आवाज गुणनखंड विधि, बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए हुए आप दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है कि परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में लिखिए, और इससे 1 से 2 को एक क्वेश्चन रहता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं कि इस सब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से है, उसी प्रकार से जैसे फर्स्ट में कीजिएगा एलसीएम हर का, तो हर का एलसीएम कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि 2 के पावर n, और हर को कभी भी 0 के टर्म में लाइएगा, मतलब 10 के टर्म में। देखिए जैसे ये 10 के टर्म में लाया है तो 10 के पावर 5 है, तो यहाँ पे जो दशमलव प्रसार टूट जाएगा तुरंत। तो व्यूअर इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए व्यूअर, ये 1.4 का हो गया ये पहला लेक्चर। उसके बाद देखिए व्यूअर दूसरे चैप्टर से चलते हैं, जो पॉलीनोमियल है, जो बहुपद है। तो बहुपद में कौन कौन से क्वेश्चन वीवीआई है उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए बहुपद में 1.1 से जो है शून्यकों की संख्या पूछ देता है, और एक्स अक्ष पर कटती है या वाई अक्ष पर, ऐसे दे देगा और पूछे ऐसे ऐसे कर देगा, ऐसे आपका जो है ग्राफीय विधि दे देगा, और उसके बाद पूछेगा कि एक्स अक्ष पर कितने बार कटा हुआ है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, तो आप देखिएगा कि एक्स अक्ष पर 4 बार कटा हुआ है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4। तो ये शून्यकों की संख्या एक क्वेश्चन रहता है, आप इसे ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद व्यूअर देखिए अगला क्वेश्चन, ये इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद देखिए 2.2 का, तो 2.2 में देखिए ये जो है 2.2 में कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो व्यूअर आप तो ये 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि शून्यक ज्ञात करना कैसे होता है, तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, आप इस प्रकार से प्रोसेस में देख लीजिए कि कैसे ज्ञात करना है। तो शून्यक होता है एक अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए होता है। ये इस प्रकार से शून्यक का योग और गुणनफल ज्ञात करते हैं। उसके बाद देखिए व्यूअर अगला क्वेश्चन जो है, इसमें से एक क्वेश्चन लिए जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि इससे जो है एक क्वेश्चन अवश्य ही लिए जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ पे दूसरा का पहला देख लीजिए और 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा का पहला और दूसरा का 5वां देख लीजिए, इतना है तो बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल देगा। 5वां में देखिए कि -1/4 और 1/4 का जो है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि x² - α + β (x) + α (β) बराबर कोई कांस्टेंट ले लेते हैं 0। तो ये बहुपद का फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का। इस पर आप अल्फा प्लस बीटा का मान सिंपल बैठा दीजिएगा, इसको मान लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस 1/4 को अल्फा प्लस बीटा मान लीजिएगा, उसके बाद है -1 का α × β, केवल मान पुट कर दीजिएगा इस फॉर्मूला पे, तो आपका आंसर ज्ञात हो जाएगा। अब चलिए व्यूअर, अब 2.3 की ओर बढ़ते हैं। तो 2.3 में कौन सा क्वेश्चन वीवीआई है इसके बारे में बता दूँ। तो देखिए 2.3 में आपको जो है, देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, पहला आप देख रहे हैं कि पहला का आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से विभाजन एल्गोरिथम जो है कैसे प्रयोग किया जाता है, भाग जो अलजेब्रा का भाग है आप
उसे कैसे ज्ञात करते हैं उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे व्यूअर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो मोस्ट VBI क्वेश्चन है, आप इसे देख कर ही जाइएगा। मोस्ट VBI क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप 4 नंबर को एक बार जरूर देख लीजिएगा, 4 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद व्यूअर देखिए 4 नंबर तक क्वेश्चन, 3 और 4 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए, उसके बाद है 2.4। तो 2.4 में एक क्वेश्चन है जिसे हम बता देते हैं आपको, कौन सा क्वेश्चन है 2.4 में मोस्ट VBI। आप समझिएगा कि इसमें तो ऐच्छिक है, ऐच्छिक में नहीं पूछेगा लेकिन पूछता है व्यूअर। 2.4 का ये क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा कि यदि बहुपद x^4 - 6x³ - 26x² + 13x - 35 के 2 शून्यक, 1 शून्यक है, 2+√3 1 शून्यक है, 2-√3 तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो व्यूअर इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ये VBI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, अब 3 पॉइंट तीसरा चैप्टर से चलते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बताऊंगा केवल क्वेश्चन की, आप ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपके पास बुक होगा ही, आप पढ़े भी हैं तो आप देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बताऊँगा व्यूअर, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आपको परेशानी हो जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे आप देखते रहिए और जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से चलिए देखते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जो 3.1 का है कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो पूछने वाला है, तो 3.1 का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ऐसा हमारा मानना है। उसके बाद चलिए 3.2 में चलते हैं व्यूअर। तो 3.2 में देखते हैं, तो 3.2 में देखिए ये जो 3.2 का पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है, पहला को आप देख लीजिएगा, पहला को ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा और या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा, लेकिन ये पूछने लायक क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं, अगला ग्राफ में, अब ग्राफ इसी से पूछा जाता है, तो ग्राफ में आप देख लीजिएगा कौन सा, तो आप मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफ में आपको ये जो है, ग्राफ में इससे देख लीजिएगा, जितना भी 2-3 ग्राफ इससे निकलता है तो आप इसमें से देख लीजिएगा ग्राफीय क्वेश्चन को, क्योंकि ग्राफ एक पूछा जाता है आपको पता ही है, इसी चैप्टर से इसी जगह से क्वेश्चन लिया जाता है ग्राफ का। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 में से केवल कितने क्वेश्चन का ग्राफ बनता है आप देख लगी, 2 क्वेश्चन का ग्राफ बनता है। और 5 नंबर क्वेश्चन जो है, 5 नंबर क्वेश्चन ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए व्यूअर। ये देखिए एक आयत का भाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, भाग की बीमाएँ ज्ञात करें। तो भाग आयत का क्या होता है, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, तो बीमा क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है व्यूअर। तो आपको पता होगा इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं लंबाई और चौड़ाई, ये जरूरी नहीं है कि आप ग्राफीय विधि से ही ज्ञात कीजिएगा, आपको जिस विधि से निकालना है निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए व्यूअर 6 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछने लायक है, 7 नंबर भी, इसमें से यही क्वेश्चन जो था 5 नंबर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए 3.3 में, तो 3.3 में देखिए व्यूअर 3.3 से ये प्रतिस्थापन विधि से एक क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो इसीलिए आप ये पहला का तीसरा और पहला का पहला देख लीजिएगा इसमें से। उसके बाद देखिए व्यूअर अगला बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए M, तो ये तो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तो 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा 3.2 का। उसके बाद देखिए व्यूअर इसमें से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे तीसरा का जो है पहला, उसके बाद देख लीजिएगा दूसरा, उसके बाद देख लीजिएगा चार, यहाँ पे चौथा 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 5वां मोस्ट VBI है, 5वां को देख लीजिएगा, यदि भिन्न के अंश वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो मैं सब इसमें बनाया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं।
आपको जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो लिखना है वो आप इस पर देख लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए ये तो 3.3 का हुआ, अब 3.4 में चलते हैं। ठीक, तो व्यूअर 3.4 में देखिए क्वेश्चन, 3.4 में आपको जो दिया हुआ है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपको किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, या तो विलोपन विधि जिसे बज गुणनखंड विधि कहते हैं, या प्रतिस्थापन विधि, तो किसी एक विधि से पूछा जाता है। तो दोनों विधि आसान है, सबसे आसान तो विलोपन विधि है जिसे बज गुणनखंड विधि कहते हैं, वो बहुत अच्छा है, ये आप याद रखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन है पहला, दूसरा और चौथा याद रखिए। उसके बाद अगला बढ़ते हैं, दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में आप देख सकते हैं कि दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है वो मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई, इसे आप देख कर ही जाइएगा। ठीक, उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद तीसरा एकदम वीवीआई है, पहला दूसरा तीसरा ये बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, ये पूछ देता है। तो आप देखिए इसका सोल्यूशन किस प्रकार से है, पहला दूसरा तीसरा आप देख लीजिए इसमें, तो पहला का कुछ इस प्रकार से है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा का भी इस प्रकार से है। आपको अगर क्वेश्चन उतारना हो आंसर, तो आप वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं। ठीक है व्यूअर, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा नंबर है। उसके बाद चलिए अगला चैप्टर किस है, कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 3.5 में देखते हैं कौन कौन सब है। तो व्यूअर 3.5 में कुछ भी इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो 3.5 में कम चांस है जो कौन सा पूछेगा, पहला का कोई कम चांस है, या आप दूसरा का क्वेश्चन देख लीजिए। 3.5 में दूसरा का ये वाला दोनों देख लीजिएगा, इससे पूछ सकता है क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें से कुछ क्वेश्चन हम आपको ट्रिक कर देते हैं, इसे आप देख लीजिएगा। देखिए चार नंबर का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का ये बुक है, चार नंबर का दूसरा बुक देख लीजिए, दूसरा देख लीजिएगा और तीसरा देख लीजिएगा, बाकी कोई इसमें से पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है अगर हमारे हिसाब से। तो व्यूअर चार नंबर पाँच 3.5 का चौथा का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, और हो सके तो पाँच नंबर क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब 3.5 हो गया है, 3.6 पे चलते हैं। तो 3.6 में जो है देखिए व्यूअर, 3.6 में कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसे आप हल करना है आपको किसी भी विधि से, तो आपको कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए व्यूअर, या तो ये पहला का दूसरा पूछ सकता है, या पहला का छठा पूछ सकता है, दो ही पूछ सकता है। उसके बाद देखिए व्यूअर अगला देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए धारा का अनुकूल और प्रतिकूल है, ठीक है, तो इसमें से आप ये पहला देख लीजिएगा और दूसरा देख लीजिएगा। उसके बाद अगला देखते हैं कौन कौन सा है, उसके बाद 3.6 हो गया, 3.7 में जो कि ऐच्छिक है उसमें देखिए, तो 3.7 में जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है उसे मैं बता देता हूँ, और नहीं होगा तो नहीं बताऊँगा। तो व्यूअर 3.7 में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, तो 3.7 का पाँचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, 3.7 का पाँचवा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला देखते हैं व्यूअर, तो अगला अब चलिए इसमें से नहीं पूछ सकता है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे द्विघातीय समीकरण कहते हैं, तो द्विघात समीकरण में देखिए, इसमें देख लीजिए द्विघात समीकरण, तो आपको ये तो तोड़ना आता होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिएगा और तोड़ करके समीकरण ज्ञात कर दीजिएगा। इसका देखिए सॉल्यूशन है, तो टोटल आप बना दीजिएगा। उसके बाद व्यूअर देखिए अगला जो इसमें देख लीजिए, ये इसमें सभी जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन वीवीआई है, इसका सभी क्वेश्चन वीवीआई है, आप इन सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देख लीजिएगा। चौथा थोड़ा कम पूछने लायक है, लेकिन इसे भी देख लीजिएगा अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो। अब चलिए व्यूअर अगला चैप्टर देखते हैं, तो 4.3 में देखिए, 4.3 में है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों तथा, तो ये
मूल वाला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपको ज्ञात होगा। फोर ए सी विवेचक है तो विवेचक पूछ रहा है तो मूल वाला है तो आप इसे देख लीजिएगा कि डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पर ये टूट जाता है तो आपको पता है, आप इसे देख लीजिएगा थोड़ा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, अगला देखिए अब 4.4 का व्यूअर। तो 4.4 में देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछने लायक है उसको मैं बता देता हूँ। 4.4 में ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा पहला का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद के किस मान के लिए, इसमें से दोनों क्वेश्चन दूसरा का देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए व्यूअर अब ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा। छोटा सा सोल्यूशन होता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पाँच नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे पाँच नंबर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब ये हो गया। अब पाँचवा चैप्टर में देखते हैं जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अंक गणितीय जिसमें ए पी जी पी रहते हैं उसमें। चलिए समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में देखिए व्यूअर कि कौन सा क्वेश्चन पूछने लायक है। तो देखिए पूछने लायक जो क्वेश्चन होगा उसको मैं टिक करूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, इस सब को आप, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसे आप एक बार बनाइएगा तो सब याद हो जाएगा। सारवांतर और ये पहला पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो आपको तो हो जाएगा, और दिया हुआ है तो एपी के चार पद लिखने के लिए बोल रहा है तो चार पद आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, ये आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। उसके बाद भी और चलिए इसमें से उतना ही है। इसके बाद 5.2 देखते हैं। ठीक, तो 5.2 में देखिए भी और 5.2 में जो है इसमें जो खाली स्थान सबको भरने के लिए बोल रहा है तो ये क्वेश्चन में दे देगा, लेकिन ये इस सब देख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसे आप ज्ञात करने के लिए बोल देगा आपको। तो ये ऑब्जेक्ट दो नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये तीसरा का देख लीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चार नंबर क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद चार नंबर, उसके बाद छः नंबर क्वेश्चन देखिए, छः नंबर क्वेश्चन एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये कई साल पूछा गया क्वेश्चन है छः नंबर क्वेश्चन, तो आप इसे देख लीजिए। और सात नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सात आठ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नौ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी एपी के तीसरे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 10 नंबर, 11 नंबर, 11 नंबर एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप देख लीजिएगा, ये 5 मार्क में पूछता है क्वेश्चन, ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, और 3 से विभाजित होने की, ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कम समय है, जल्दी जल्दी देखिएगा, अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए, कम समय में आपको अच्छे मार्क अर्न हो जाएगा। चलिए अब इसमें से हो गया 5.2 में से, तीन में से देखते हैं। तीन में से देखिए एक तो रावे करता है फिक्स क्वेश्चन, जो पद ज्ञात करने के लिए योग बोलेगा, तो एपी का समांतर श्रेणी का योग पूछेगा, तो आपको एक क्वेश्चन तो पूछवे करता है, आपको कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें देख लेते हैं। तो इस ये वाला जो है ना तीसरा का कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए व्यूअर इसमें जो है चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे देख ही लीजिएगा। ठीक व्यूअर, उसके बाद चलिए इस प्रकार से समांतर श्रेणी का इतना ही क्वेश्चन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट समझ में आया। उसके बाद चलिए छठा चैप्टर में, त्रिभुज में आपको देखिए छठा चैप्टर को मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए त्रिभुज में होता क्या है कि पहला वाला देख लीजिए, 6.1 का देख लीजिएगा पहले। देखिए 6.1 में देखिए ये कोण जो है साइड जो है, देखिए समरूप पूछ रहा है, तो ये पहला में देख लीजिएगा कि कैसे है, तो ये पहला वाला पढ़ लीजिएगा, ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा आपको, आप पढ़ लीजिएगा इसे, एक बार पढ़िएगा ना तो आपको याद ही हो जाएगा कि कैसे बनाना है नहीं बनाना है। ठीक व्यूअर, तो आपको ये पूछ देगा तुरंत ऑब्जेक्टिव में, तो आपको टिक कर देना है आंसर तुरंत देख करके, क्योंकि देखिए साइड होता है, उसके बाद साइड एंगल होता है, ये 5 तरह के जो फॉर्मूला होता है समरूप का, इसी से लिया जाता है। और
ये सब चैप्टर को पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये थ्योरम चैप्टर है। आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि पैथागोरस प्रमेय आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पैथागोरस के विलोम पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है थेल्स प्रमेय पढ़ लीजिएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम पढ़ लीजिएगा। ये दो ही क्वेश्चन जो है, चार हो गया, दो दो चार। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो मैं बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है, उसे बता देता हूँ। बाकी आप कुछ नहीं पढ़िएगा, बहुत समय इसमें लग जाएगा, आपको कंफ्यूज हो जाएगा आप। देखिए यहाँ पे ये सात नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, सात नंबर क्वेश्चन, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सात नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बता दिया। अब चलिए सातवां चैप्टर से चलते हैं। सातवां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको देखिए कौन कौन सा है, एक तो दूरी सूत्र इसी से पूछा जाता है, आपको तो दूरी निकालना आ जाएगा। तो आप रोटेंडर ऐसे याद करिएगा, एक्स टू गटे, ये फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है दूरी सूत्र का, आप देख लीजिए। दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए ऐसे ही होता है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसे हम बता देते हैं आपको, कि ये चौथा देख लीजिएगा, उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा देख लीजिएगा संरेख वाला, तो ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये इस प्रकार से एक्स अक्ष वाला, ये सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, नौवां, उसके बाद दसवां भी हो, दसवां, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिएगा व्यूअर। उसके बाद व्यूअर चलिए अगला क्वेश्चन, अब 7.2 से देखिए। 7.2 से जो पूछा जाता है निर्देशांक ज्यामिति का, तो 7.2 का पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 7.2 का पहला, उसके बाद दूसरा, पहला दूसरा और चौथा, चौथा के बाद एक और छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सातवां देख लीजिएगा, आठवां देख लीजिएगा, बाकी कोई नहीं देखिएगा। 7.3 के देखिए, तो 7.3 में आप त्रिभुज है, त्रिभुज ज्ञात करने के, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 सिंपल फॉर्म में होता है हाफ, 123, 231, 312, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस पर से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसमें से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरा में और पहला दूसरा दोनों देख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं देखिएगा, उतना ही पूछेगा। उसके बाद चलिए 7.4 को छोड़ दीजिए, सात क्वेश्चन तक व्यूअर। इस प्रकार से मैं आपको 7.4 तक बता दिया हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए व्यूअर 7.4 में कौन कौन सा हो सकता है, क्या, तो 7.4 में देखिए दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो गया, एक बार बाकी देख लेते हैं, दूसरा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा का दुए एक ही को क्वेश्चन देखिएगा, 7.4 का दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, हो सके तो पहला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा व्यूअर, ठीक है। तो व्यूअर वीडियो, ये हमारे वीडियो का पार्ट वन था, कि कौन कौन से VVA ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में मैं चर्चा किया हूँ। अगर आप आठवां चैप्टर से पंद्रहवें चैप्टर तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट तो है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जो आठवां चैप्टर और नौवां चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, वो दोनों से 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके। और बहुत ही सरल इसमें से क्वेश्चन आता है, और बहुत ही सरल चैप्टर भी है। तो आपको यह जानकारी मैं पार्ट टू वीडियो में देने वाला हूँ, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।